group 3A and 4A elements. This is chapter number 3 of chemistry book 2. आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे ग्रुप 3A एलिमेंट्स का, जनरल इंट्रोडक्शन, और साथ में हम लोग देखेंगे कि मुख्तलिफ ग्रुप 3A एलिमेंट्स जो हैं इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से वेरी करती हैं, और इन मुख्तलिफ एलिमेंट्स अगेन ग्रुप 3A के इनकी अकरेंस हम देखेंगे कि वो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस चैप्टर, तो एक आपको मैं ब्रेकडाउन बता देता हूँ इस चैप्टर का. ग्रुप 3A जो है इसके अंदर, एक तो ये जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके बाद हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे बोरॉन को, जो कि अगेन इसी ग्रुप का एक एलिमेंट है बोरॉन, और उसकी जनरल पेक्यूलियर नेचर को डिस्कस करेंगे कि बोरॉन किस तरीके से बिहेव करता है. उसके बाद फिर हम लोग मूव कर जाएंगे बोरॉन के कंपाउंड्स के ऊपर, जिसके अंदर जो मेजर कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे उनमें बोरेक्स और मुख्तलिफ किस्म के बोरिक एसिड्स हैं. एंड लेटर ऑन फिर हम लोग स्विच कर जाएंगे एलुमिनियम के ऊपर, जो कि सेकेंड एलिमेंट है इसी ग्रुप का, ग्रुप 3A का, और एलुमिनियम की फिर हम लोग मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है इसी चैप्टर का, दैट इज़ अबाउट ग्रुप 4A. ग्रुप 4A के अंदर जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनमें कार्बन और सिलिकॉन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कार्बन और सिलिकॉन की पेक्यूलर नेचर हम लोग डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली कार्बन के बारे में हम बात करेंगे. इसके बाद हम लोग मुख्तलिफ कंपाउंड्स की बात करेंगे, जिनमें कार्बन, मेजर कंपाउंड्स में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, और सिलिकॉन के जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं उसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के एल्युमिनियम सिलिकेट्स देखेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को देखेंगे. ये से पहले भी आप लोग देख चुके हो अपने जूनियर क्लासेस के अंदर. एंड देन सिलिकॉन्स एंड ग्लासेस, हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे. एंड फाइनली इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा, दैट वुड बी रिलेटेड टू लेड, और इसके लेड के मुख्तलिफ कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे. सो दिस इज़ द जनरल ब्रेकडाउन ऑफ दिस चैप्टर. लेट स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर, जिसके बारे में हम मैंने आपको पहले बताया था कि एक जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज का. ओके, ये आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल आ गया है, और आपने इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, आपको आप ऑलरेडी इतना आप पढ़ चुके हो, ये जो फर्स्ट दो लाइंस हैं, दिस वन एंड दिस वन, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, या इसको हम ग्रुप 1A कहते हैं, ठीक है, और जो सेकेंड वाला है इसको हम ग्रुप 2A कहते हैं. उसके बाद ये जो राइट साइड पे आपके पास छह लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो फर्दर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हैं. इनमें छह ग्रुप्स हैं, जो इंडिविजुअली अगर आप लेबल करना चाहो तो दिस इज 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A एलिमेंट्स. ओके, ये जो आपको हाइलाइटेड पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली ग्रुप 3A एलिमेंट्स. ग्रुप 3A एलिमेंट्स किन किन एलिमेंट्स, इस ग्रुप 3A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टॉप पे हमारे पास होता है बोरॉन, ठीक है, बोरॉन के बाद देन वी हैव एलुमिनियम, एलुमिनियम के बाद देन वी हैव गैलियम, जी ए फॉर गैलियम, एंड देन आफ्टर गैलियम वी हैव इंडियम, एंड देन इंडियम के बाद थैलियम, ठीक है, जिसको थैलियम को हम टी एच नहीं लिखते, सॉरी फॉर दैट, हम इसको टी एल लिखते हैं, इसी को टी एल कर देता हूँ. सो दीज आर द फाइव स्टेबल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A. इसके अलावा जो इससे नेक्स्ट एलिमेंट है, इट इज़ नॉट अ स्टेबल एलिमेंट, ठीक है, इट इज, यू कैन से इट्स येट टू बी डिस्कवर्ड, इट इज़ ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड बाय द वे, बट स्टिल इट्स एन अनस्टेबल एलिमेंट, सो हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करेंगे. सो दीज आर द फाइव स्टेबल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A. नाउ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप ऑलरेडी जानते हो कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो ग्रुप नंबर होता है वो बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, एंड यू ऑल्सो नो कि सोडियम के आखिरी शेल के अंदर देर इज सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है. द सेम इज़ ट्रू फॉर लीथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम,
किसी भी शेल के किसी भी ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट होता है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ही होते हैं जो उसका ग्रुप नंबर होता है, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप 3A जितना भी पूरा का पूरा है इन सब में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर द केस ऑफ बोरॉन विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, बोरॉन। अब बोरॉन के बारे में आप जानते हो कि इसका एटॉमिक नंबर है 5, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम एंड देन बोरॉन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड फर्स्ट शेल के अंदर डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और सेकेंड शेल के अंदर देर वुड बी 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दीज आर द 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड शेल। सिमिलरली अगर आप एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो इन द एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर दिस इज द न्यूक्लियस, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13, फर्स्ट शेल के अंदर सेकेंड शेल, अभी हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, अब आपने टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, फर्स्ट शेल के अंदर डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन सेकेंड शेल के अंदर यू विल गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द एल शेल, एंड फिर एम शेल के अंदर आपके पास 3 ही बच गए हैं, तो फाइनल शेल के अंदर यू विल हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम और ये आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन। सो यू कैन सी इजीली कि इनके लास्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इससे होता क्या है, आप पढ़ चुके हो ये चीज कि मेटल्स जो हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अब मैं एक चीज रिपीट कर देता हूं कि कोई भी एलिमेंट अगर एक अच्छा मेटल है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन वो इजीली डोनेट करने की सलाहियत रखता हो, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर, अगर आपसे कोई बंदा पूछे व्हाट इज मेटेलिक कैरेक्टर, कि अगर दो मेटल्स आपको दे दिए जाएं और आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच इज अ बेटर मेटल, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा उनमें से बेहतर मेटल है। आप ये करोगे कि आप ये देखोगे कि किसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाला जा सकता है। मेटेलिक कैरेक्टर इज बेसिकली टेंडेंसी, या हमें इसको यूं कर लेते हैं, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, ओके। नाउ अब किसी एटम के अंदर से अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है, यानी एटम वो खुद ही बेसिकली दे रहा होगा, तो वो एटम कितना इजीली देगा ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये बात बेसिकली दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो ये कि उस एटम का साइज कितना है। अगर तो बहुत ही स्मॉल साइज है, फॉर एग्जाम्पल एक एटम है जो इतना सा है और एक एटम है जो इतना बड़ा है, अब अगर यहां पे एक आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक यहां पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो आप मुझे वैसे इंट्यूशन से बताओ कि किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, ऊपर वाले में से या नीचे वाले में से। गुड, नीचे वाले में से आसान होगा ना, देखो नीचे वाले में न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस चूंकि ज्यादा है तो द कूलम फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन वुड बी लेस, ठीक है, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वेयर्ड, यू ऑलरेडी नो दिस, आपने कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है ना, फोर्स इक्वल्स के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर्ड, ठीक है। हियर क्यू वन इज द न्यूक्लियर चार्ज एंड क्यू टू इज बेसिकली योर इलेक्ट्रॉन। सो आप एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी फोर्स से खींचेगा वो रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो इस वाले के अंदर आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि रेडियस ज्यादा है, ठीक है, तो ये जो है इट्स अ बेटर मेटल और ये जो ऊपर वाला है इट्स पुअर मेटल। अब आपको एक और जनरल ट्रेंड पता है कि किसी भी ग्रुप में व्हेन यू कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्रुप 3A, अगर मैं कहूँ ये दिस इज ग्रुप 3A और इस ग्रुप 3A के मुख्तलिफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, यू ऑलरेडी नो द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम। नाउ अब आप मुझे बताओ कि इनमें से सबसे अच्छा मेटल कौन सा होगा, डेफिनेटली थैलियम, बिकॉज इट इज जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो क्या हो रहा है कि साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, साइज इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जा रहा है, व्हेन यू कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल तो एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है जिसकी वजह से साइज इंक्रीज करता है, सो थैलियम इज द बेस्ट मेटल। और अगर आप ऊपर वाले की बात करो बोरॉन, तो ये सबसे पुअर मेटल होगा, एंड सो मच सो कि ये इतना बुरा मेटल है बोरॉन कि हम इसको मेटल कहते ही नहीं है, इट्स अ नॉन मेटल,
Interestingly, boron is not a metal, और ये वो वाहिद element है जिसका atomic number, sorry, जिसके तीन valence electrons हैं, तीन valence electrons, and it is not a metal. Periodic table में जितने भी elements हैं, जिनके अंदर आखरी shell में तीन electrons होते हैं, वो तमाम metals होते हैं. ये नीचे वाले सारे के सारे metals हैं. But boron is not a metal. उसकी reason क्या है? क्योंकि boron का size इतना थोड़ा है. ठीक है, एक तो साइज भी मसला होता है, दूसरा चार्ज भी बोरॉन का बहुत ज़्यादा है ना. इफ यू थिंक अबाउट न्यूक्लियर चार्ज, ये जो दरमियान में न्यूक्लियस है, द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बोरॉन इज बेसिकली थ्री टाइम्स पॉजिटिव. अगर बोरॉन से आप लेफ्ट साइड वाले की बात करो, या बोरॉन से राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले की हम बात करते हैं, बोरॉन से लेफ्ट साइड पर क्या चीज़ होती है? बेरिलियम. ठीक है, अब बेरिलियम और बोरॉन के साइज में तो थोड़ा सा फर्क है, बट चार्ज में बहुत ज़्यादा फर्क है. इफ़ यू टॉक अबाउट बेरिलियम, बेरिलियम का मैं यहाँ पे एटम ड्रॉ करता हूँ. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4. फर्स्ट शेल के अंदर यू गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल के अंदर यू गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ बोरॉन एंड बेरिलियम दे आर कंपेरेबल इन साइज, बट द प्रॉब्लम इज कि बोरॉन का एटॉमिक चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी, इट्स प्लस 3, वाइल जो बेरिलियम है उसका न्यूक्लियर चार्ज इज प्लस 2. ठीक है, व्हेन जब ये एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, सो इसका न्यूक्लियर तीन, सॉरी, जब जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा तो प्लस 2 इस पे चार्ज आएगा. बाय द वे, न्यूक्लियर चार्ज हम ऐसे नहीं कैलकुलेट करते, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है. न्यूक्लियर चार्ज होता है जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, सो आई शुड नॉट कॉल इट प्लस 3, जितने इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं मैं उतने कहूँगा. प्रोटॉन्स इज बेसिकली द एटॉमिक नंबर. सो इन बोरॉन द न्यूक्लियर चार्ज इज प्लस 5, एंड इन बेरिलियम द न्यूक्लियर चार्ज इज प्लस 4. अब आप देख के कह सकते हो कि इसमें चूंकि न्यूक्लियर चार्ज भी हाई है, ठीक है, एंड दूसरा स्मॉल साइज भी है, तो इन दोनों वजूहात की वजह से इट्स नॉट कंसिडर्ड अ मेटल. ओके, अब हम लोग अकरेंस के बारे में बात कर लेते हैं. अकरेंस ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स. ग्रुप 3 एलिमेंट्स में हम लोग इंडिविजुअली सबके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनमें पहला एलिमेंट है, दैट इज बोरॉन. इस पिक्चर के अंदर आप बोरॉन का देख सकते हो शेप कैसी है, इसका कलर कैसा है, एंड इट इज़ अ सॉलिड. बोरॉन जो है ये बहुत ही रेयरली पाया जाता है ज़मीन के अंदर. ये कितनी अमाउंट में पाया जाता है? इट इज़ ऑलमोस्ट 0.001% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. ठीक है, ज़मीन के अंदर ये तकरीबन इतनी अमाउंट में पाया जाता है. 0.001% का क्या मतलब हुआ? 1% क्या होता है? 100 में से एक हिस्सा. 0.001 मतलब का मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ का एक लाखवां हिस्सा. ठीक है, या आप कह सकते हो कि 10 parts per million, यानी अगर 10 लाख हों तो उनमें से 10, एक लाख में से एक हिस्सा सिर्फ बोरॉन का होता है. बोरॉन जो है ये किस फॉर्म के अंदर ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है? ये मुख्तलिफ मिनरल्स हैं उनके अंदर होता है. ठीक है, ओर्स हैं, मिनरल ओर्स उनके अंदर ही पाया जाता है. और किस किस्म के मिनरल्स हैं? प्राइमरीली जो बोरॉन के कंपाउंड्स हैं उनमें जो सबसे मेजर जो है, जिसके अंदर से बोरॉन को डिराइव किया जाता है, दैट इज़ बोरैक्स, जो कि हम इससे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे बोरैक्स को. देन यू हैव कोलेमनाइट. ठीक है, इसके अलावा भी देर आर अ लॉट ऑफ मिनरल्स ऑफ बोरॉन. देर आर ऑलमोस्ट 100 मिनरल्स जिनसे बोरॉन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये सारे मिनरल्स जो हैं ये बहुत ही रेयर हैं, बहुत कम तादाद में. बोरसाइट है इनके अंदर, कर्नाइट है. ठीक है, इसके अलावा देर इज ट्यूजनाइट, बर्बोराइट एंड मैनी मोर इन दिस वे. इन सब के अंदर से निकाला जा सकता है, बट इनमें सबसे जो प्राइमरी सोर्स है दैट इज बोरैक्स, या इसको हम टिंकल भी कहते हैं. ठीक है, ये लेक्स की साइड पे वाइट कलर का एक छोटा छोटा पाउडर की फॉर्म में आ जाता है, उसको हम बोरैक्स कहते हैं. आगे हम लोग पढ़ेंगे बोरैक्स के बारे में. बोरॉन को कहाँ पे, कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर निकाला जाता है? बोरॉन जो है टर्की जो है ये सबसे ज़्यादा डिराइव कर रहा है बोरॉन. ऑलमोस्ट 70% पूरी दुनिया में जितना भी बोरॉन है वो सारा टर्की में प्रोड्यूस हो रहा है. उसके अलावा जो बाकी कुछ बचा कुचा है वो US प्रोड्यूस कर रहा है, और बाकी ममालिक में बोरॉन की एक्सट्रैक्शन बहुत ही मामूली है. लेट्स स्विच टू द अदर वन. बोरॉन के बारे में एक और, बल्कि मैं आपको खास बात बताता चलूँ कि बोरॉन जो है ये प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर भी इम्पॉर्टेंट होता है.
जो प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर बोरॉन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल. नॉट ऑल द प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर बोरॉन ना होने की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. जो सेकंड नंबर पे हमारे पास कंपाउंड है, दैट इज़ एल्यूमिनियम. सॉरी, इट्स नॉट अ कंपाउंड, इट्स अ मेटल. एल्यूमिनियम जो है, इसके बारे में यू वुड ऑलरेडी वुड हैव हर्ड कि एल्यूमिनियम इज़ प्राइमरीली, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, या ओवरऑल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये टर्म स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, इसकी बहुत ज़्यादा है, यानी इसका वेट बहुत कम है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वेट कम है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम जो है प्राइमरीली कार्स, ठीक है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ हैं उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो एल्यूमिनियम से बनाया जाता है. इसके अलावा एरोप्लेन्स जो हैं उनका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो एक जहाज़ होता है उसका जो ये जो सेंट्रल पार्ट होता है पूरा, जिसको हम फ्यूजलाज बोलते हैं, देन दिस पार्ट द विंग्स एंड देन दिस एम्पनाज टेल एंड जो भी यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, ये जो मेजर स्ट्रक्चर है जहाज़ का, दिस इज़ प्राइमरीली मेड ऑफ एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के मुख्तलिफ किस्म के अलॉयज से. जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर वैसे अब कंपोजिट्स यूज़ होना शुरू हो गए हैं, बट पहले जितने भी आज तक के जहाज़ हैं वो सारे प्राइमरीली एल्यूमिनियम से ही बने होते थे पूरे के पूरे. एल्यूमिनियम की जो दुनिया के अंदर कितनी अमाउंट में एल्यूमिनियम पाया जाता है, इट्स अ गुड न्यूज़, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है. इट इज़ 8.2% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. अब अगर आप बोरॉन के साथ कंपेयर करो, बोरॉन वॉज ओनली 0.001%, ठीक है, बट अगेन बोरॉन की स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, यू नो, एल्यूमिनियम की उससे ज़्यादा है. तो गॉड डज एवरीथिंग फॉर अ पर्पस, ठीक है, एल्यूमिनियम को दुनिया में ज़्यादा भेज दिया, सिलिकॉन को ज़्यादा भेज दिया क्योंकि उनका इस्तेमाल भी ज़्यादा है, ऑक्सीजन को ज़्यादा भेज दिया क्योंकि हमने सांस लेना होता, ठीक है. सो दिस इज़ 8.2% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. इससे ज़्यादा क्या चीज़ें हैं, ऑक्सीजन दुनिया में सबसे ज़्यादा है पहले नंबर पे, सिलिकॉन दूसरे नंबर पे और एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में है. ज़मीन के अंदर की बात हो रही है. एल्यूमिनियम किस फॉर्म के अंदर होता है, एल्यूमिनियम जो है ये एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, सिंपल ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं और सिलिकेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है. जो प्राइमरी इसका जो ओर है दैट इज़ बॉक्साइट, ठीक है, आप एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो कि बॉक्साइट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था, ठीक है, रिडक्शन की जाती थी और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, मेटलर्जी के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है. अब जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट वन इज़ गैलियम, ठीक है, देन दिस इज़ इंडियम, इंडियम की एक वायर है, एंड थर्ड नंबर पे थैलियम जो है ये ब्लॉक की फॉर्म में पड़ा हुआ है. सो इन गैलियम, इंडियम और थैलियम जो हैं ये बहुत ही रेयर हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है, इनकी एग्जैक्ट मैं अमाउंट्स बताऊँ, गैलियम इज़ ओनली अबाउट 0.0018% इन द अर्थ्स क्रस्ट. इंडियम सबसे कम है, इंडियम इतना थोड़ा है, मतलब अगर हाउ डू आई टेल यू, दिस 0.00005%, ठीक है, यानी दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं उनमें तकरीबन 70वें नंबर पे ये दुनिया के अंदर पाया जाता है, यानी इससे ज़्यादा 70 किस्म के मेटल्स हैं जो दुनिया में हैं क्रस्ट के अंदर, और ये 70th नंबर पे कहीं पे आता है. एंड देन थैलियम, ये इंडियम से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इट इज़ अगेन वेरी लेसर, 0.00006%, ये ज़मीन के अंदर इतनी अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है. सो दीज आर बेसिकली वेरी रेयर मेटल्स, और इनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका जो है वो क्या है कि आप ये करते हो कि मुख्तलिफ किस्म के जो ओर्स हैं जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, आप उनके अंदर से और जब मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स को सेपरेट आउट करते हो तो जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ये मेटल्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है. प्राइमरी जो इनका सोर्स है वो ये है मुख्तलिफ ओर्स की, जब आप मेटलर्जी के अंदर, आप मुख्तलिफ ओर्स के अंदर से कोई एक मेटल एक्सट्रैक्ट करा रहे होते हो, तो एज इन बाय प्रोडक्ट्स आपके पास ये रेयर मेटल्स भी प्रोड्यूस होते हैं. दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर. इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इन पर्टिकुलरली बोरॉन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बोरॉन की पेक्यूलियर नेचर के बारे में बात करेंगे कि बोरॉन बाकी एलिमेंट्स से किस तरह से मुख्तलिफ है.